तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हमारे साथ है ये भलवा। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी तो आज हम देखने वाले हैं किसका दिमाग ज्यादा है, इसका ज्यादा है कि मेरा ज्यादा है। तो चलो, जिसने भी गलत आंसर दिया हम उसको मारेंगे, ठीक है? तो चलो। तीन फ्लोर की एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो जाता है। अच्छा। इंस्पेक्टर गणपत क्राइम सीन पर पहुंचकर तीन सस्पेक्ट से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है कि वो बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था, उसे कुछ नहीं पता है। दूसरा आदमी कहता है कि वो 10 मिनट पहले ही गार्ड से मिला था, उसने बात की और फिर वो फ्लैट में चले गया, मर्डर के बारे में उसे कुछ नहीं पता है। तीसरा आदमी कहता है कि वो तो सुबह से नीचे ही नहीं आया, जैसे ही उसे मर्डर बताए नीचे क्यों नहीं आया होगा, की खबर मिली तब वो नीचे आया। तीनों की बातें सुनने के बाद गणपत तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? तो बता फिर मर्डर किसने किया होगा? देख, ये स्विमिंग कर रहा है पहला वाला, ठीक है? ये दूसरा आ रहा, अभी 10 मिनट में गया। ये तो इसको तो फुर्सत ही नहीं अपनी दीदी से। एक सेकेंड, इसको तो ये भी लगा है मुंगे, चीटी 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 भी लगी। तो मेरे ख्याल से अभी 2 नंबर ने, 2 नंबर ने किया मदर। तुझे कौन लगता है? तुझे कौन लगता है? जल्दी बता, टाइम नहीं है। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है। सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी को ध्यान से देखिए, पूरा ब्लड क्लॉट हो चुका है और चीटियां भी लग गई है। इसका मतलब बॉडी कई घंटों से यहीं पड़ी हुई है। फिर भला दूसरे नंबर वाला आदमी 10 मिनट पहले सिक्योरिटी गार्ड से बात करके कैसे जा सकता है? गणपत उसे जो होता है इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। थप्पड़ मारता है और पूछताछ करता है। तो आदमी बताता है कि वो अपने एक फ्रेंड के साथ स्मगलिंग का सामान लेकर रात को यहाँ आया। अबे रुक तू, अबे इसमें देखना तू भाई का जलवा। ठीक है ना, देखते ना जलवा किसका है। अरे देखना भाई, अरे तेरे वजह, तेरा तो मेरा दिमाग है ज्यादा। गार्ड मेरे को जानता नहीं है। आया था लेकिन गार्ड ने उसे देख लिया, इसलिए उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर गार्ड का मर्डर कर दिया। गणपत तुरंत उस कुनी के फ्रेंड को पकड़ने के लिए ऊपर वाले फ्लैट में जाता है। कुनी का फ्रेंड फ्लैट में छुपा हुआ था। इंस्पेक्टर गणपत गेट ओपन करते से समझ जाता है कि खूनी कहाँ छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी, लेकिन क्या आप समझ पाए? तभी कहाँ पे छुपा? ये देखो, उसका उसका हाथ में ये वो क्या है? ये इसके दरवाजे के पीछे ही, किसके पीछे? दरवाजे के पीछे नहीं, शेडो शेडो है इसकी, और वो बैठा है वहाँ लेके। मेरे हिसाब से यहाँ पे बैठा है, वहाँ बैठा है, वहाँ पे बैठा है, यहाँ पे नीचे बैठा है। रूम के अंदर राइट साइड में बल्ब लगा हुआ है और ठीक लेफ्ट साइड में एक रॉड की शेडो बन रही है। इसका मतलब खूनी का फ्रेंड गेट के ऊपर रॉड लेकर बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर गणपत अंदर कदम रखता है और फिर वापस तुरंत पीछे हो जाता है। अटैक करने के चक्कर में खूनी का फ्रेंड नीचे गिर जाता है और गणपत उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। चलिए, दोनों का भी चुका, इधर से दोनों, तो वो इधर से था, इधर से था, देख रिपीट कर ले, वो इधर से था, शैडो इकून पलटी ना आता है पाए। ते भाई शैडो मार टूट डाल कोने ले देता है। ये तो छोटे बच्चों को भी आएगा, ये देखो सामने। आलिया का एक पड़ोसी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने कश्मीर जाता है। वो वापस आते ही आलिया को कश्मीर की 3 फोटो दिखाता है जो उसने खुद क्लिक की थी। लेकिन फोटो देखते ही आलिया समझ आलिया वाह जाती है कि उसका पड़ोसी उसे उल्लू बना रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी, आलिया को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। इस साइड वाले ट्री में देखिए, सारे एप्पल्स उल्टे लटक रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है लॉजिकल आर्मी? मतलब फोटो एडिट किया हुआ है। आलिया का पड़ोसी आलिया को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहा था। आलिया उसे एक टपकी देकर वहां से निकल जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। देखो दो है मारो।
देखना देखू तुम्हारा डोरा। न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी और सारे लोग क्लब में डांस कर रहे थे। अबे आलिया डबल अली आलिया 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 भी अपने डांस मूव दिखा रही थी, तभी अचानक लाइट चले जाती है और कोई आलिया का बैग चोरी कर लेता है। अगले 5 सेकंड बाद जब लाइट आती है तो आलिया पहले और बाद की सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखती है। उसे 3 लोगों पे डाउट आता है। लॉजिकल आर्मी, क्या बता सकते हैं इन 3 में कौन हो सकता है जिसने आलिया का बैग चुराया है? सोचिए सोचिए। तो बताइए इनमें से किसने चुराया? देख ये देख, ये भी ये तो उसकी फ्रेंड होगी, ये तो उसका ब्रदर होगा, ये तो उसका भाई होगा। पहले वाले आदमी को ध्यान से देखिए। लाइट जाने से पहले उसने अपने जैकेट की फ्रंट चेन पूरी खोल रखी थी, लेकिन अभी जैकेट बंद है। इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। आलिया सीधा जाती है और उसका जैकेट फाड़ देती है, तो अंदर से उसका बैग बाहर निकलता है। आलिया उसे एक जोरदार मुक्का मारती है और अपना बैग उठा लेती है। इन 3 लड़कियों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसके 4 टैटूज है। 4 टैटू कमर वाला टैटू। इसका टैटू कहाँ जा रहा है? 1 2 3 4 1 2 3 4 3 सी नंबर वाली। तो मैंने ये नया ट्राई किया था, तो कैसा लगा ना कमेंट में बताना। और हमारे पास टाइम नहीं था तो यही वीडियो बना लिया, नया भी है और आपको अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो हम तो वीडियो बना ही रहे हैं।